गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ हाउ यू ऑल स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर एटीन टाइम बेटा एज यू ऑलरेडी लर्न अबाउट टाइम आप पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं टाइम के बारे में टाइम कैसे आप रीड करते हैं राइट करते हैं ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है सेकेंड एंड थर्ड में नाउ इन क्लास फोर्थ यू विल लर्न अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट क्लॉक चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है फर्स्ट देखिए आप डिवीजन ऑन डायल ऑफ द क्लॉक जैसे कि क्लॉक आपके सामने बनी हुई है ये आप क्लॉक देख रहे हैं ये बनी हुई है इसमें क्या होता है टाइम का डिवीजन है जैसे कि देखिए ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये कुछ टाइम्स के स्लॉट्स में डिवाइड किए गए हैं अब आप देखेंगे ट्वेल्व और वन के बीच में ट्वेल्व और वन के बीच में 12 और वन के बीच में कितने पॉइंट है वन टू थ्री फोर फाइव तो आप ये देख रहे हैं कि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में फाइव फाइव का डिफरेंस है फाइव फाइव का डिफरेंस चल रहा है ठीक है द स्पेस द स्पेस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज डिवाइडेड इंटू फाइव इक्वल स्मॉल डिविजन्स अब ये जितने भी इसमें गैप हैं कितने का है फाइव का गैप है देखते हैं आप लोग जब आपको क्लॉक देखते हैं ट्वेल्व से वन के बीच में फाइव लाइंस ऐसे ड्रॉ रहती हैं ठीक है थीके? फिर यहां पर भी सेम आपको लाइंस ऐसे ड्रॉ दिखाई देती हैं तो फाइव फाइव लाइन के गैप के बीच में इसको डिवाइड किया गया हुआ है ठीक है बेटा तो आपको अब आपको क्या पढ़ना है इसमें ये देखिए आपको एक सेकेंड इसमें क्या पढ़ना है ये देखते हैं हम हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आप और पहले से ही पढ़ चुके हैं द क्लॉक हैज टू हैंड्स अ लॉन्गर हैंड एंड अ शॉर्टर हैंड क्लॉक में टू हैंड्स होते हैं एक बड़ा जो ये है ये लॉन्गर हैंड है और इसको हम कहते हैं शॉर्टर हैंड जो बड़ी सुई को हम लॉन्गर हैंड से जानते हैं लॉन्गर हैंड उसे हम मिनट हैंड के नाम से जानते हैं जो लॉन्गर हैंड है ये है हमारा लॉन्गर हैंड इसे ही हम मिनट हैंड भी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा शॉर्टर हैंड छोटी सुई आपके घर में बोला जाता है बड़ी सुई और छोटी सुई के नाम से ये जाना जाता है ठीक है बड़ी सुई और छोटी सुई तो बड़ी सुई मतलब लॉन्गर हैंड मतलब मिनट हैंड छोटी सुई मतलब आवर हैंड और ये आपकी आवर हैंड है ठीक है छोटी सुई आपको आवर के बारे में बताती है और बड़ी सुई मिनट के बारे में बताती है ये सब आप सब पढ़ चुके हैं अब मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मिनट हैंड्स अब मूवमेंट कैसे होता है द मिनट हैंड मूव फ्रॉम वन स्मॉल डिविजन टू द नेक्स्ट स्मॉल डिविजन इन वन मिनट ठीक है अब इसमें एक और सेकेंड का होता है सेकेंड की हैंड होती है जो की एक राउंड एक, कंप्लीट करती है तब एक मिनट आगे बढ़ता है आपकी आवर हैंड सॉरी मिनट हैंड द मिनट हैंड गोज वंस राउंड द डायल इन वन आवर अब मिनट हैंड कैसे हमारी मूव करती है जब ये आवर एंड एक राउंड कम्प्लीट कर लेती है तब ये हमारी मिनट हैंड फाइव से सिक्स पे आती है ठीक है आप सबको पता है वन आवर में सिक्सटी मिनट्स होते हैं तब मिनट हैंड मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इन फाइव मिनट अब आपको पता है कि ट्वेल्व अगर हमारी लॉन्गर हैंड ट्वेल्व पे है ट्वेल्व से वन पे जाने के लिए वो कितना मिनट का टाइम लेती है फाइव मिनट्स क्योंकि फाइव का गैप है और आप इसी तरह से फाइव फाइव का गैप करके आगे बढ़ते जाते हैं ठीक है नाउ मूव टू द फोर्थ पॉइंट मूवमेंट ऑफ आवर एंड हैंड द आवर हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट नंबर इन वन आवर एक जो आवर हैंड होता है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए वन आवर का टाइम लेती है द आवर हैंड टेक्स ट्वेल्व आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ठीक है और इट टेक्स टू राउंड ऑफ द क्लॉक इन अ डे आपको पता है वन डे में ट्वेल्व ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं तो एक दिन को कंप्लीट करने में आग, टू राउंड ऑफ क्लॉक चलते हैं ठीक है बेटा तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी अब आ जाते हैं मैं कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहती हूँ अब हम एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है अब इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ सबसे टॉप में टॉप में हम ट्वेल्व बनाते हैं फिर जस्ट इसके नीचे सिक्स होता है यहाँ पर देन यहाँ पर यहाँ पर थ्री और यहाँ पर नाइन यहाँ पर वन टू फोर फाइव एट से, सेवन एट टेन इलेवन ये आपकी मैंने क्लॉक बनाई हुई है ठीक है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये क्लॉक बनाई गई है कि नाइन थ्री ट्वेल्व सिक्स के बीच में ये पॉइंट होता है जब कभी भी ओ क्लॉक होता है ठीक है कोई भी टाइम ओ क्लॉक में है ठीक है एक सेकेंड ठीक है फाइव ओ क्लॉक हमें शो करना है तो आपको पता है आवर हैंड जो कि लॉन्गर हैंड है वो आप, आपका ट्वेल्व पे होगा और मिनट हैंड आपका किस पे होगा फाइव uh, पे होगा इस तरीके से हम फाइव ओ क्लॉक को शो करते हैं ठीक है बेटा इसी तरीके से आप क्लॉक्स को शो करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं लिख रही हूं उसको आपको लिखना है ठीक है जैसे कि क्लॉक क्लॉक हैज टू हैंड्स टू हैंड्स ये आपको अपने कॉपी में लिखना है अ लॉन्गर हैंड एंड अ शॉर्टर हैंड ठीक है लॉन्गर हैंड को हम क्या कहते हैं लॉन्गर हैंड इज इक्वल टू मिनट हैंड लॉन्गर हैंड को मिनट का हैंड कहते हैं एंड आवर हैंड को हम सॉरी एक सेकेंड शॉर्टर हैंड को हम आवर हैंड कहते हैं ठीक है ठीके? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिखने हैं ठीक है ठीके? और आपको पता है वन वन डे इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर आवर्स वन आर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट एंड वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड ठीक है बेटा अब मैं आपको दिखाती हूं ये पेज नंबर 249 टू हंड्रेड फोर्टी नाइन है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाए गए हैं जैसे कि लुक एट द फिगर ऑफ द क्लॉक वट टाइम डज इट शो कि आपको ये क्लॉक देखनी है और आपको बताना है कि क्या टाइम शो हो रहा है तो मिनट हैंड जो आवर uh, हैंड है आपका वन पर है और मिनट हैंड आपका ट्वेल्व पे है तो ये क्या बता रहा है कि ट्वेल्व ओ वन ओ क्लॉक हो रहा है ठीक है यहां पर इसने दिखा दिया कि टाइम वन ओ क्लॉक हो रहा है इसी तरीके से आवर हैंड आपका दिखाया गया है अगर थ्री पे है और मिनट हैंड अगर ट्वेल्व पर है मिनट हैंड ट्वेल्व पे है तो क्या टाइम होगा जैसे सपोज करिए यहां पर मैं दिखा देती हूं आपको एक सेकेंड इसको कर लेते हैं ट्वेल्व सिक्स फाइव मिनट हैंड बोला गया है ट्वेल्व पर और आवर हैंड किस पे है थ्री पर है तो क्या टाइम हो गया थ्री ओ थ्री इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम और थ्री ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं ठीक है बेटा तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ये इस तरीके से शो करके आपको बताया गया है बाकी आगे आपको ये रीड करके बताया गया है कि 4:40 टाइम ये आपको दिखाई दे रहा है जो मिनट जो आवर एंड है हमारा फाइव और फोर के बीच में है तो मतलब क्या हो रहा है फोर ओ क्लॉक ही हो रहा है ठीक है अब फाइव फाइव का गैप जैसे फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा आपको पता है कि फाइव फाइव का गैप होता है तो आप फाइव की टेबल रीड करते हैं आपको पहले भी सिखाया गया कि आप क्या करेंगे फाइव की टेबल रीड करेंगे फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स ज़ा थर्टी फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव फाइव एट जा फोर्टी मतलब फोर बज के फोर्टी मिनट हो चुका है ठीक है और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं फोर्टी मिनट पास्ट फोर चार बज के चालीस मिनट को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं फोर्टी मिनट मिनट्स पास्ट फोर तो चार बज के चालीस मिनट को इंग्लिश में हम लिखते हैं फोर्टी मिनट्स पास्ट फोर नेक्स्ट क्या है ट्वेंटी मिनट्स टू फाइव अब हम ऐसे भी बोलते हैं ना कभी कभी पांच बजने में बीस मिनट बाकी हैं. तो उसका हम कैसे हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे ट्वेंटी मिनट्स टू फाइव फाइव ओ क्लॉक होने में ट्वेंटी मिनट्स अभी बचे हुए हैं इस तरीके से हम एग्जाम्पल टू कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट है लुक एट द फिगर ऑफ द क्लॉक वट टाइम डज इट शो अब आपको ये क्लॉक देखनी है ये जो बनी हुई है और इसमें देख के बताना है क्या टाइम शो कर रहा है तो हमने देखा कि आवर हैंड जो है हमारी छोटी सुई जो है वो क्या है नाइन और टेन के बीच में मतलब नाइन ओ हो रहा है अब आगे देखते हैं ये इसका लॉन्गर हैंड जो सिक्स पे है तो सिक्स को फाइव से इंटू कर दीजिए सिक्स फाइव से कितना होता है थर्टी मतलब नाइन थर्टी आपका टाइम हो रहा है है आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज सिक्सटी टू के ये कुछ क्वेश्चन करने हैं जैसे पहला क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज डन फॉर यू आवर हैंड एट पे है मिनट हैंड ट्वेल्व पे है एक क्लॉक यहां ड्रॉ कर लीजिए एक सेकेंड एक क्लॉक मैं यहां पर ड्रॉ कर रही हूं एक मिनट एक क्लॉक चलिए क्लॉक आपको सपोज कर लीजिए ये क्लॉक है यहाँ पर ट्वेल्व है यहाँ पर सिक्स यहाँ थ्री यहाँ नाइन यहाँ वन टू बेटा इसमें हम क्या करेंगे देखिए एक क्लॉक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं आपको पता है हम पहले फोर पॉइंट्स बनाते हैं ट्वेल्व सिक्स थ्री नाइन थ्री है एक सेकेंड इसी क्लॉक को बेटा देख लेते हैं उस पर बनाने में दिक्कत हो रही है ये क्लॉक सपोज कर लीजिए यहां पर एट ओ क्लॉक पे क्या है शॉर्टर है तो एट ओ क्लॉक पे आपका आवर हैंड है तो एट पे हम लोग ले गए आवर हैंड को और ट्वेल्व पे है आपका ट्वेल्व पे है आपका मिनट मिनट हंड है ठीक है तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है एट ओ क्लॉक टाइम ठीक है इसको अभी इग्नोर कर दीजिए इसको इग्नोर कर दीजिए ये ये टाइम देखिए तो आपको एट ओ क्लॉक दिखाई दे रहा है ना इसी तरीके से बेटा आपको सिक्स इस पे कर लेना है सिक्स अगर आपका अब देखिए एक सेकेंड अगर जो सिक्स है आपका जैसे ये सिक्स पे है ये ये सिक्स पर है और मिनट हैंड आपका ट्वेल्व पर हो तो कितना टाइम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सिक्स ओ क्लॉक हो जाएगा इसी तरह एक इलेवन पर हो इसको डिलीट इरेज कर देते हैं हम्म, अगर इसी तरीके से एक इलेवन पर हो एक इलेवन पे हो मिनट आवर हैंड और इस पे हो ट्वेल्व पे हो आपका ये तो क्या हो जाएगा ये इलेवन ओ क्लॉक इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस बाकी करने हैं और क्वेश्चन नंबर टू कैसे करना देख लीजिए लुक एट द लुक एट द फिगर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट डाउन द टाइम शोन बाय इन टू डिफरेंट वेज इसका टाइम आपको टू डिफरेंट वेज पे लिखना है तो आपको दिख रहा है जो ये मिनट हैंड आवर हैंड नाइन पे है मिनट एंड ट्वेल्व पे तो पहला टाइम हो गया है नाइन या फिर आप इसको नाइन ओ क्लॉक भी लिख सकते हो सेकेंड टाइम हो गया है आपका देखिए यहां पर ही दोनों मैंने लिख दिया टाइम नाइन ओ क्लॉक ठीक है एक टाइम नाइन हो गया और एक नाइन ओ क्लॉक हो गया है ठीक है बेटा नेक्स्ट क्या है फ, पहला six, आ, आवर पे है, तो सिक्स टाइम हो रहा है और दूसरा मिनट हैंड किस पे टू पे तो आपको बताया था मैंने क्या करना है फाइव से मल्टीप्लाई करना होता है जब भी हम पता करते हैं फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे अब टू को टू फाइव से कितना हो जाएगा टेन तो एक टाइम हो गया सिक्स टेन दूसरा क्या लिखेंगे सिक्स मिनट पास्ट टेन क्या लिखेंगे सिक्स मिनट पास्ट टेन चलिए लिख देते हैं सिक्स मिनट पास्ट पास्ट टेन इसी तरीके से बेटा आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं आई होप स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा थैंक यू क्लास इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए थैंक यू क्लास